ये भाई हमारे आईपी डिपो के चालक है, ये परेशान है। पिछले 3 साल से इन्हें बोनस नहीं दिया गया, अब की बार बोनस की मांग करी तो डीएम साहब को हटा दिया गया। यहाँ पे 3 साल के अंदर 6 डीएम बदल चुके हैं, कोई मौजूदा बंदा नहीं है ना कोई यहाँ पे बात करने वाला। अगर कोई बात करता है तो नो ड्यूटी करा जाता है। हमारे रिशपाल भाई को नो ड्यूटी करा गया, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ, यहाँ खड़े हैं ये डिपो वालों से बात करने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती। आईपी डिपो के चालक 6 मार्च 2019 में खुला था, सभी भाइयों को सूचना धन्यवाद। भाई ये अपने आईपी डिपो के ड्राइवर हैं, इनको 3 साल से कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है। ये अब सभी भाई परेशान हैं। पैसेंजर की कंप्लेंट पे नो ड्यूटी कर देते हैं, पैसेंजर को डिपो में नहीं बुलाते हैं और उसको नो ड्यूटी कर दिया जाता है। तो भाई ये घनी सारी बातें हैं, जो एक सैलरी है 10 तारीख से बाद में सैलरी आती है, तो भाई इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे मीटिंग करी गई है और ये सभी बातें अंदर रखी जाएंगी। ओके।